मेरे भाई और मैं ऐसे साथ आया, मेरी माँ से चौक में बैठा, मेरा सारा का सुंदरकांड का पाठ आप भी बड़े गाबा खातर मिल हो गया। नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। उदयपुर वाटी कस्बे में पुलिस थाने के सामने आज शाम 4 बजे घटी इस घटना को सुनकर हर कोई सिहर उठा और जिसे भी खबर लगी वो घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़ा। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में पुलिस थाने के सामने आज शाम करीब 4 बजे एक महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्यारा महिला का देवर ही है। जानकारी के अनुसार उदयपुर वाटी शहर के केशव रायजी मोहल्ले में रहने वाले रामस्वरूप दर्जी और उसके भाइयों में विवाद हो गया। आरोपी ने बदला लेने के लिए अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। गुरुवार को दोपहर बाद रामस्वरूप अपनी पत्नी अंजू के साथ ससुराल जाने के लिए साकंबरी गेट की तरफ गया था। अंजू देवी बस के इंतजार में थाने के बाहर बेंच पर बैठ गई। इस दौरान उसका देवर राधेश्याम आया और उसने धारदार हथियार से अंजू पर हमला कर दिया। अंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उदयपुर वाटी CHC ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्यारा अंजू का देवर राधेश्याम बताया जा रहा है। झगड़े का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने हमलावर को राउंड अप कर लिया है। पुलिस थाने और CHC पर लोगों की भीड़ जमा है।